top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. अचानक बदमाश आए, वो एकदम बाथरूम करने के लिए भैया उठे, उतरे, गाड़ी रुकाई और बस इतने में वो एड्रेस पूछने के चक्कर में उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। कितने लोग थे और कितने फायरिंग करी? कम से कम ये तो 8-10 राउंड फायर किए। किस किस को चोट आई? मुझे भैया को आई, मैं भैया को चोट आई है। कहाँ की घटना थी? सवेरी गाँव। सवेरी पुलिस को बता दिया? हाँ, पुलिस को तो बता दिया। मामला आया है, क्या मामला है और क्या नाम है, कब आया? गन शॉट इंजरी आया जी, रफली 8:40 पे हमारे पास, और लेफ्ट अपर आर्म में गोली लगी है, गोली का निशान है अंदर जाने। क्या नाम बताया जा रहा है? सचिन दत्ता नाम है पेशेंट का, और ये लेके आए हैं सवेरी गांव नोएडा एक्सटेंशन पे कहीं लगे। अब क्या स्थिति है मरीज की? पेशेंट स्टेबल है, अभी एक्सरे वगैरह होंगे, पता चलेगा गोली अंदर आई या निकल। अरे कान में तो ये लगा है ना, इसीलिए। डॉक्टर प्रवीण वर्मा। सर, एक गनशॉट का मामला है, क्या है मामला, किसको गोली लगी है और पुलिस अभी इनमें क्या इन्वेस्टिगेशन? ये बालाजी ग्रुप्स के सीएमडी हैं सचिन दत्ता, उनको घायल अवस्था में कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां पे उनको बताया गया है गनशॉट इंजरी लगी है, और ये भी बताया गया है कि कई राउंड फायर किए गए थे। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तफ्तीश कर रही है, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेगी। इस तरह के इंजेक्शन मतलब मैडम अरे छोड़ मत बता दिया। देर नहीं क्या करते अंदर भी फोन बोल पड़ा होगा ना, इधर भैया तो पीछे बैठे थे ना, ना वो पड़ा ना फोन बोल। अंदर नहीं है,
अभी तो पढ़ते हैं ट्विटर का फेस बता मुझे पता उन्हीं के घर कर रहे थे वो बच्चे हमको।